नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। और चलिए खबर बिहार की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। दरअसल सरकार पर हमले के लिए विपक्ष ने जबरदस्त रणनीति तैयार की है। इस बार विपक्ष की झोली में मुद्दों की भरमार है। आरजेडी ने जहां जहरीली शराब से बड़ी संख्या में लोगों की मौत और नीति आयोग की रिपोर्ट को अपने मुद्दों में सबसे ऊपर रखा है, वहीं कांग्रेस सरकार की विफलताओं के मसले से संबंधित सवालों को उठाएगी। कुल मिलाकर 5 दिवसीय ये सत्र छोटा जरूर है, लेकिन सरकार के लिए मुश्किलों भरा साबित हो सकता है। हालांकि सरकार ने भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए रणनीति पूरी तैयार कर ली है। वहीं आज प्रश्नोत्तर में अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्न और उसके उत्तर लिए जाएंगे। ध्यानाकर्षण सूचनाएं और उस पर सरकारी वक्तव्य पेश किया जाएगा और इसके साथ ही विधानसभा के समक्ष प्रतिवेदनों को रखा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रस्ताव करेंगे कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी प्रस्ताव करेंगे कि बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। तो आज सदन में हंगामे के पूरे पूरे आसार हैं। विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। और चलिए और अधिक बातचीत के लिए हमारे सहयोगी आशुतोष विधानसभा परिसर के बाहर से लाइव हैं। आशुतोष, देखिए इस बार का सत्र छोटा जरूर है, लेकिन इस बार मुद्दों की भरमार है, तो आज क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए जरूर मुद्दे इस वक्त हैं और स्वाभाविक तौर पर सत्र छोटा है, लेकिन गर्माहट लगातार बनी रहेगी। आज जो सामान्य तौर पर तारांकित अनुसूचित प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, ध्यानाकर्षण प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, इसके अलावा 2 संशोधन विधेयक है, बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक है, इसके अलावा तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक है। तो 2 विधेयक पर संशोधन होगा और वो भी विधेयक पास होंगे सदन से। सबसे बड़ी बात यह है कि कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि उन्हें 2 सवालों का जवाब चाहिए सरकार से, खासतौर से शीतकालीन सत्र में। एक, पहला, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उस पर नीतीश कुमार का क्या कहना है। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि आयोग की रिपोर्ट वो नीतीश कुमार को भेज देंगे, नीतीश कुमार उसे पढ़ लें, क्योंकि जब जब उनसे सवाल पूछा जाता है नीति आयोग के बारे में तो उन्होंने वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि उन्होंने अब तक देखा नहीं है। इसके अलावा एक और मामला है कि CAG के पास बिहार सरकार के 2 लाख करोड़ के ACDC के बिल जो है वो बकाया है। तो नेता प्रतिपक्ष ये चाहते हैं कि ये 2 लाख करोड़ कहाँ खर्च हुए, सरकार इसकी जानकारी दे। आखिर क्यों अब तक जो AG के पास ये रिपोर्ट नहीं पहुंची है, बिल की जानकारी नहीं पहुंची है, इसकी जानकारी सरकार सदन में दे दे। तो 2 मांगे हैं यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष की, और मुझे लगता है कि अगर इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी तो स्वाभाविक तौर पर सदन चलने की स्थिति में नहीं नजर आएगा। और विपक्ष ने कल तैयारी की है, कल आपने देखा होगा कि सभी जगह मीटिंग हो रही थी। एक तरफ NDA की बैठक हुई, दूसरी तरफ RJD ने भी अपनी मीटिंग की, कांग्रेस ने भी अपनी विधानमंडल दल की मीटिंग की। और इस मीटिंग के दौरान ये तय हो गया कि आगे किस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ सरकार को घेरना है। और दूसरी तरफ जो NDA विधायक दल की बैठक हुई थी, विधानमंडल दल की बैठक हुई थी, उसमें भी ये स्ट्रैटेजी क्लियर हो गई कि वो किस तरह से विपक्ष के हमलों का बचाव करेंगे। ये सारी रणनीति तय हो चुकी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव ने जिन 2 मुद्दों को उठाया है उन मुद्दों को लेकर के RJD पूरी तरीके से इस शीतकालीन सत्र में पूरी तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल आशुतोष। देखिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र जी भी सीधा लाइव जुड़ गए। शैलेंद्र जी, देखिए कल हंगामेदार रहा सदन पूरा, आज भी पूरे पूरे हंगामेदार रहने के आसार है, तो आज ऐसे कौन से मुद्दे जिस पर साफ तौर पर हम हंगामा देख पाएंगे विपक्ष का?
देखिए साफ तौर पे है जो अभी जिस तरह चाहे शराबबंदी का मामला हो या कहें कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है और उसके अलावा जो विश्वविद्यालयों में वीसी का मामला है, ये दो तीन मुद्दे ऐसे हैं। और चूंकि अपराध का मामला लगातार रहता ही है, लेकिन ये जो खास जो प्रमुख मुद्दे हैं इन्हीं पर ज़्यादा बहस या इन्हीं पर ज़्यादा चर्चा होने की ज़रूरत है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कल मुख्यमंत्री समेत तमाम जो नेता थे, एनडीए के नेता थे, वो हाथ उठाकर और एक तरह से कहें कि एकजुट होकर ये कह रहे थे, संकल्प ले रहे थे कि नहीं, हम शराबबंदी को सफल बनाएंगे। लेकिन विपक्ष का लगातार ये कहना है कि शराबबंदी असफल है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो मुद्दा है ये सदन में छाया रहेगा। और इसके अलावा चूंकि नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, नेता प्रतिपक्ष की ओर से भी कहा गया है, तो ये तमाम ये चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार के लिए एक तरह से कहें समस्या है। और सरकार बार बार नीति आयोग को लेकर भी अपना रुख स्पष्ट करती रही है कि आखिर कौन सा वो पैमाना डिस्क्लोज करना चाहिए नीति आयोग को। और जब पूरा देश है तो इसमें जो राज्य टॉप पे हैं या नंबर वन है, उनसे बिहार की तुलना नहीं हो सकती। बिहार के लिए एक अलग, ये कहें कि बिहार जैसे राज्य हैं उनके लिए एक अलग कैटेगरी बननी चाहिए और उसके अनुसार जो है इसको मापा जाना चाहिए। तो ये भी तमाम ये ऐसी चीज है जिसको लेकर बार बार कहें कि सरकार की एक दुखती रग है, जिसको बार बार कहें कि जो रिपोर्ट आती है उसके बाद यहाँ पर सवाल उठते हैं और ये कहा जाता है कि जो बिहार फिसड्डी है। लेकिन सरकार ये कहती है कि नहीं, हम उन राज्यों से अपनी तुलना कैसे कर सकते हैं जो कहें कि नंबर वन है और लगातार जो अपने कहें कि आंतरिक संसाधन उनके हैं उनसे वो चलते हैं, उनकी प्रधानता है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में चूंकि औद्योगिकरण का भी मामला है और कि उसमें बहुत उस दिशा में बहुत काम नहीं हुआ, सरकार के प्रयास के बाद भी बहुत उद्योग नहीं लगे हैं, तो ये सब बातें हैं। और एक चीज़ विशेष ये है कि जिस तरह से विपक्ष का लगातार ये रहता है कि कानून व्यवस्था की जैसी स्थिति नहीं है बिहार में, या कहें कि सरकार की जो सरकार है उसकी ओर से जो चीज़ें लागू की जाती हैं, जो कि एक जुमला बहुत विपक्ष की ओर से कहा जाता है कि दारूबंदी और बालूबंदी, यही दोनों चीज़ें हैं जो सरकार के लिए गले की फांस बन गई हैं। और यही जो है एक तरह से कहें कि जो भ्रष्टाचार के मूल में है और इनको लेकर सरकार की नीति अच्छी नहीं है, इसी वजह से सरकार जो है अपराध के मामले में, अपराध नियंत्रण के मामले में फेलियर है। बिल्कुल शैलेंद्र जी, हमारे सहयोगी आशुतोष लगातार बने हुए हैं। आशुतोष, अभी आपसे बातचीत हो रही, जब आपने कहा कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर दो सवालों के जवाब मांगे हैं, तो इसका मतलब विपक्ष तैयार है पूरी तरह से सरकार को घेरने के लिए। हालांकि सरकार का भी कहना है कि हम भी हर सवाल का जवाब के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए जरूर, और सबसे खास बात यह है कि ये जो सवाल उठाए गए हैं ये विपक्ष की तरफ से नहीं उठाए गए हैं। जिन दो मुद्दों को लेकर के तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं, ये मुद्दे विपक्ष की तरफ से नहीं उठाए गए हैं। ये मुद्दे उन एजेंसियों के तरफ से उठाए गए हैं जिसे लोग इंडिपेंडेंट मानते हैं, यानी एजी के तरफ से या फिर नीति आयोग की तरफ से ये मुद्दे उठाए गए हैं। और स्वाभाविक तौर पर ये ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर न तो बीजेपी को कुछ बोलते बन रहा है, ना ही जेडीयू को कुछ बोलते बन रहा है। आपने देखा होगा कि नीति आयोग के मसले पर यहाँ पर जितने भी रूलिंग पार्टी के विधायक थे, बीजेपी की बात करें या फिर मंत्रियों की बात करें, बीजेपी कोटे के मंत्रियों की बात करें, उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। स्वाभाविक तौर पर नीति आयोग इंडिपेंडेंट एजेंसी है और अगर नीति आयोग ने इस तरह के सवाल खड़े किए हैं तो स्वाभाविक तौर पर इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने इन दोनों मुद्दों को पकड़ा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लंबित प्रमाण पत्रों का मामला होता है, सीडीसी बिल का जो मामला होता है, ये मामला आज से नहीं काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है और विवाद भी काफ़ी समय समय पर घड़ाता रहा है। अब अंदाजा लगाइए कि 2 लाख करोड़ का हिसाब किताब ये सामने आ रहा है कि इसके प्रमाण पत्र मिले ही नहीं। तो स्वाभाविक तौर पर दो ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर विपक्ष खासतौर से आरजेडी की बात करें तो वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। और आज तेजस्वी यादव बैठक भी करने वाले हैं, कल भी उन्होंने बैठक की थी लेफ्ट पार्टी के नेताओं के साथ, विधायकों के बिल्कुल साथ। आशुतोष, तो आज का सत्र भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जी भी लगातार लाइव बने हुए। शैलेंद्र जी देखिए, इस हालांकि मुद्दे बहुत हैं लेकिन इस बार जो विपक्ष है वो शराबबंदी या शराब से हुई मौतों को लेकर हावी दिख रहा है, क्योंकि हमने भी देखा किस तरीके से जहरीली शराब से 50 से ज्यादा लोगों की क्योंकि मौत भी हुई है। जी बिल्कुल, ये सरकार भी कहती है, मुख्यमंत्री भी लगातार कहते हैं, और ये कि आप अगर जो शराबबंदी के बाद भी आप किसी का जो लोग हैं, जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं, उनके उसमें आएंगे, उनके संपर्क में आएंगे या उनसे शराब लेकर पिएंगे, तो जाहिर सी बात है आपके साथ अच्छा नहीं होगा।
लेकिन विपक्ष ये लगातार कहता रहा है कि यहाँ पर एक तरह से कहें कि एक नई व्यवस्था बन गई है, जब से 2016 से शराबबंदी लागू हुई है उसके बाद से जो एक तरह से कहें कि पूरी एक पैरेलल व्यवस्था बन गई है, नए नए जो माफिया हैं वो हो गए हैं और उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। विशेष बात यह है कि उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, उनको प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है और उसी में से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है और उसके बाद जो छोटे लोग होते हैं उसमें उनको गिरफ्तार करके ये दिखा दिया जाता है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो प्रमुख लोग हैं या कहें जो उनके पीछे हैं, जो उनके जो माफिया हैं, वो लगातार एक तरह से कहें कि अपने आप को बढ़ाते जा रहे हैं और ये पूरा ठीकरा जो है सरकार के ऊपर फोड़ा जाता है जो सत्ता पक्ष बिल्कुल है। शैलेंद्र जी और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सवाल करेगा सरकार से और कह सकते हैं ये सत्र सरकार के लिए काफी अहम होने वाला है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आशुतोष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे।